यहाँ टॉप से मैं व्यूज शूट कर रहा हूँ और ये सामने वापस रास्ता पार्ट रहते हैं क्योंकि ये पार्ट स्टेप रह सक बिल्कुल नीचे आके खड़ा हुआ। ये जो कवर लीफ का काम है ये तकरीबन यहाँ पर, यहाँ से आपको व्यूज दिखाने का मकसद ये है कि ईशा फैसल इंटरचेंज के मैं दूसरे पार्ट पे आके खड़ा हूँ। 50 वॉल्स हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है, बड़ी तादाद है मशीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं ईशा फैसल इंटरचेंज पर मौजूद हूँ जो कि मली रास्ते से प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। टैक्स स्लैब पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जिस तरह लास्ट में मैं आप लोगों को अपडेट किया था कि यहाँ पे टैक्स स्लैब की भराई का काम चल रहा है, मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ और जो लास्ट एक पोरिंग हुई हुई है, अगर मैं आपके इशारे से बताऊँ तो वो थर्ड पार्ट है जिसकी भराई मेरे ख्याल से कल हुई है। मज़ीद इसके अलावा टीम आगे काम कर रही है। सामने शाह फैसल ब्रिज और ये सामने वापस रास्ता करंगी की तरफ को जाते हुए, मैं इस वक्त टॉप पर मौजूद हूँ। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम पहले आपको बताया था कि यहाँ पे दो पार्टियाँ काम कर रही हैं, अगर मैं इस पार्टी की बात करूँ तो तकरीबन मेरे एक ये और दूसरा पार्ट ये दो पार्ट की शटिंग लगने के बाद तकरीबन ये वाला जो हिस्सा है ये का तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये भी पोरिंग, वो भी पोरिंग, तकरीबन ये तमाम चीज़ों की पोरिंग हुई हुई है, भराइयाँ हुई हुई है, इसकी शटिंग लग रही है, इसकी भी शटिंग लग रही है और सामने जो दो पार्ट हैं वो अभी फ़िलहाल ओपन है और उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग का फ़िलहाल काम चल रहा है। ये क्रेन भी लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी, तो मेरे जिस तरह हिसाब से काम चल रहा है मेरे ख्याल से ये एक हफ्ते में ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी और ये बासानी शाह फैसल ब्रिज के ऊपर काम करने शुरू कर देंगे। ये सामने शाह फैसल ब्रिज, इसी तरह मैं सामने की बात करूँ तो सामने वाली जो पार्टी काम करते हुए आ रही है उसके मेरे अंदाज़े से मुताबिक तकरीबन कोई 7 पार्ट रहते हैं क्योंकि ये पार्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आ रहे हैं। ये एक पार्ट पे अभी काम चल रहा है, बाकी ये 6 पार्ट यहाँ के इस साइड के अभी मुकम्मल रहते हैं। फिलहाल काम दोनों तरफ चल रहा है, टीम आज यहाँ मौजूद है। ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़ हैं, एक्सिस के ऊपर भी काम चल रहा है लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो कवर लीफ का काम है ये तकरीबन यहाँ पर ये जो बीम लगाने का था ये जिसका पहले से पेंडिंग में चल रहा है अभी भी यहाँ काम फिलहाल रुका हुआ है। वजह तो मुझे अभी पता नहीं है लेकिन जो पुरानी प्रोग्रेस थी 4 दिन पुरानी तकरीबन सेम वही चीज़ अभी यहाँ मौजूद है लेकिन डेस्क स्लैब के ऊपर और ये जो सेफ्टी वॉल्स हैं इनके ऊपर काम चल रहा है। ये शाह फैसल इंटरचेंज के आज के लेटेस्ट व्यूज हैं। वो सामने रास्ता करंगी बीएम कॉजवे की तरफ को जाता है और मैं अगर ऑपोजिट कंडीशन की बात करूं तो ये सामने वापस रास्ता कायदाबाद इंटरचेंज की तरफ को जा रहा है। इस हिस्से पे भी बैकफिलिंग का काम चल रहा है, ग्रेडर मशीन भी लगी हुई है, रोलर भी इस वक्त यहाँ काम कर रहा है। नीचे जो दो रूट्स हैं जिसके ऊपर अर्थफिल चल रही है उसके ऊपर मशीनरी लगी हुई है। यहाँ टॉप से मैं व्यूज शूट कर रहा हूँ प्रोग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए, जो फाउंडेशन वगैरह जो
कॉलम कैप की पोरिंग वगैरह हुई हुई थी, इसके अलावा मज़ीद कोई और मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट नज़र नहीं आई है। शाह फैसल इंटरचेंज, शाह फैसल इंटरचेंज के मैं दूसरे पार्ट पे आके खड़ा हुआ हूँ। सामने आपको शाह फैसल ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा और दो एक्सेस जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताए थे यहाँ पर बनने जा रहे हैं। जिन लोगों ने शाह फैसल कॉलोनी से इसको ज्वाइन करना है वो ये वाला रूट इस्तेमाल करेंगे, जिसके ऊपर अभी अर्थ फिलिंग का काम चल रहा है। और जिन लोगों ने वापस शाह फैसल की तरफ को उतरना है वो ब्रिज के उस तरफ वाला रूट इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल दोनों साइड पे काम चल रहा है, बैक फिलिंग भी वहाँ पर मिट्टी फिलिंग भी चल रही है, मशीनरी वहाँ भी लगी हुई है, मशीनरी यहाँ भी लगी हुई है। एक सवाल लास्ट किया गया था कि ये इसको किस तरह ज्वाइन करेंगे, सामने कुछ मकान वगैरह हैं क्या उनको डिमोलिश किया जाएगा। फिलहाल यहाँ कोई ऐसा इंजीनियर मौजूद नहीं है जिससे कोई अपडेट ली जा सके। कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं लाजमी इस क्वेश्चन को उनसे आंसर लेके आप तमाम लोगों को मैं क्लियर करूँगा कि इस यहाँ से ज्वाइन करने और वापस शाह फैसल की तरफ जाने के लिए क्या इसी ब्रिज के साथ इसको ज्वाइन किया जाएगा या इसको फिर वो आगे चुरंगी तक लेके जाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नीचे आके खड़ा हुआ और यहाँ से आपको वो तमाम जो पोरिंग्स हो चुकी हैं वो दिखाना चाहूँगा। इस एक पार्ट के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है और बाकी तकरीबन इस साइड की जितनी भी डेक स्लैब है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सामने आपके शाह फैसल ब्रिज है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ मैं भी आके खड़ा हुआ और यहाँ नीचे से आपको जो डेक स्लैब रहती है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। शाह फैसल ब्रिज के मैं इस पार्ट पे खड़ा हुआ जो रास्ता तुरंगी EBM कॉजवे की तरफ को जा रहा है, यहाँ से आपको व्यूज़ दिखाने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएं। काम सेम वैसे ही है, पहले स्कैफ फोल्डिंग है, फिर शटरिंग है, फिर स्टील बाइंडिंग है, उसके बाद भराई है और ये पार्ट यहाँ से अभी तकरीबन रहता है। एक और पार्ट के ऊपर आके खड़ा हुआ हूँ, ये वो रास्ता है जो कि शाह फैसल इंटरचेंज से कुरंगी EBM कॉजवे की तरफ को जा रहा है। सराउंडिंग के मैं व्यूज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अर्थ फिलिंग का काम इस वक्त चल रहा है, मशीनरी आपके सामने यहाँ लगी आपको नज़र आ रही होगी। सामने शाह फैसल ब्रिज है, हवा थोड़ी सी तेज़ है, अगर आवाज़ इंटरप्ट करे उसके लिए माजरत है। और ये आपके सामने रास्ता कुरंगी EBM कॉजवे की तरफ जाते हुए काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है, बड़ी तादाद में मशीनरियाँ लगी हुई है। जिन लोगों ने शाह फैसल इंटरचेंज से काठोर की तरफ को जाना है वो इस रास्ते से ज्वाइन करेंगे और जिन लोगों ने शाह फैसल इंटरचेंज से उतरना होगा शाह फैसल की तरफ एयरपोर्ट की तरफ तो वो इस रूट को इस्तेमाल करेंगे। ये मैं तमाम अपडेट पहले भी कर चुका हूँ।
ये आज की लेटेस्ट व्यूज और ये करंट अपडेट। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।